السلام علیکم سٹوڈنٹس اج ہم ہمدم کشمیری کے حالات زندگی اور ان کی غزل پڑھیں گے ہمدم کشمیری ہمدم کشمیری کی ولادت 1937 میں ہوا عبد القیوم خان نام اور ہمدم तख्लु हमदम कश्मीरी का नाम जो है अब्दुल अब्दुल क्यूम ख़ान और हमदम जो है तख्लु आपकी विलादत पंद्रह अप्रैल उन्नीस सौ सैंतीस ईस्वी को शहीदगंज श्रीनगर में एक मुतवस्त घराने में पैदा हुई मुतवास्त मतलब दरमियानी घराने में पैदा हुई वालिद का नाम नूर महमद ख़ान जो पेशे से ताजिर थे ताजिर मतलब तिजारत करने वाले थे पेशे से मतलब काम से हमदम कश्मीरी उर्दू के कहना माशक शार थे हमदम कश्मीरी जो है उर्दू के कहना माशक मतलब माहिर तजुर्बाकार शायर हैं उन्होंने शेरगोई का आगाज़ उन्नीस सौ अठावन ईस्वी में किया मतलब हमदम कश्मीरी जो है उसने अपनी शेर गोई शेर कहने का आगाज़ जो है शुरुआत जो है उन्नीस सौ अट्ठावन ईस्वी में किया धूप लहू की आपकी गज़ल का पहला मशमू दो हज़ार तीन ईस्वी में शाया हुआ دوبله هم مطلب دوبله هو کی جوه همدم کشمیری کا غزلون کا پہلا مجموعہ ہے وہ 2003 سی میں شائع ہوا مطلب شائع مطلب چھپا چھپ گیا आपने नतें और नज़में भी कही हैं लेकिन गजल आपकी महबूब तरीन सिनफ है मतलब आपने नातें भी कही और इसके साथ साथ नजमें भी कही लेकिन गजल गोई जो है गजल जो है आपकी महबूब तरीन मतलब आपकी पसंदीदा महबूब तरीन मतलब पसंदीदा सनफ है आप एक मत्बर गज़ल गो है आप एक मतबर गज़ल गो मतलब मतबर मतलब दुरुस्त आप जो है एक दुरुस्त गज़ल गो है गज़ल की खूबी यही है कि इसमें शायर अपनी जाती और अपनी इज्तमाही ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात को समेट कर तख्ली की तजुर्बात का इजहार करें मतलब गजल का खूबी यही है गजल का खूबी जो है यही है कि इसमें शायर शायर जो है अपने ज़ाती खुद की और अपनी इज्तिमाही अपनी इज्तिमाही मतलब अपनी इतफाकी इजमाई इतफाकी ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात को सट कर मतलब समेट कर तखलीकीी तजुर्बात में तखलीकी मतलब पैदा कि लिखी हुई तजुर्बात का इजहार करें यह चीज़ हमदम कश्मीरी के यहाँ बहुत सारी गज़लों में नज़र आती है हमदम कश्मीरी का गज़ल गोई गज़ल गज़ल नंबर पहला ऐसा नहीं है कि सर पे सदा आसमान था मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था शायरी शेर शायर में शायर अपने शानदार माजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं हमेशा मुफलीज और लाचार नहीं था आज खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहा हूँ मगर हमेशा से मेरी हालात ऐसी नहीं थी इस शहर में मेरा भी मकान था जिसमें मज़े से मेरी ज़िंदगी बसर होती थी असल में इस शहर में ज़माने के हालात और मौजूदा तबाही का शायर शायराना इजहार है इस रोशनी के शहर में म्मत करेगी राज मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था इस शहर में शायर फरमाता है कि मेरा खूबसूरत शहर रोशनियों से जगमग रहा करता है इसमें इत्मीनान था खुशियाँ थी अम अमन था मुझे गुमान था तक नहीं था कि मेरा ये शहर उजड़ जाएगा और अंधेरा इस पर हुकूमत करेगा रोशनियाँ मजबूर होकर गायब हो जाएंगे इस अलमिया पर हैरान हूँ असल में ये शहर कश्मीर में गुजशत पच्चीस बरसों के दौरान रोनुमा हुए हालात का आईना है दोया नहीं गया जो किसी पुरशाल में मेरी ज़मीन पर वो लहू का निशान था बर्शिगाल मतलब परशगाल मतलब बारिश इस शहर में شاعر یې شمیره مې کاش میر مې می گذشتې 25 برسو کې دوره برسو کې دوران رونما وی علمناک خون خرابې کې ترې به شارک کېږي وطني وطنی عزیز مې لټ پټ هوګیا وتن وطن عزیز خون ملت پټ هوګیا خون کې نشانه اષ્ઠ تکې سیم موسم موسم کې بارښت دل نسکه مطلب حالات سدر نسکه हमदम की को चुप लगी जमाना गुजर गया इस शहर खामिशी में वो साहिब आज़ान था खामिशी मतलब खामोश खामोशी इस शहर में ये शेर जो है मतलब इस शेर जो इस शेर में ये शेर जो मकता है इसमें शायर अपना तखल इस्तेमाल करता है इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब होकर फुमाता है कि एक ज़माना था कि इस शेर में जो आज खामोश और वीरान है हमदम कश्मीरी लोगों को फला की तरफ बुलाता था वो साहेब आज़ान साहेब आज़ान शखस था मगर हालात ने उससे खामोश रहने पर मजबूर किया अब एक मद्दत से वो चुप आ, सादे बैठा है ग़ज़ल नंबर दूसरा एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंज़र न था इस शर में शायर फरमाता है कि मेरी हालात अजीब थी मेरे अंदर एक भी मौसम न था मतलब मुझे मौसमों का हा एहसास नहीं था और मुरझाई आँखें कोई मंजर भी न था मेरे दाएं बाएँ थी परछाइयाँ मेरे हाथों में कोई पत्थर न था इस में शायर हैं कि मैं अजीब हाल से दोचार था मुझे हर तरफ परछाइयों ने घेर रखा था मैं जानता हूँ परछाइयाँ बेजान होती है लेकिन उन्होंने मुझे कैद कर लिया मैं डर गया अपनी हिफाजत का आसमान भी मेरे पास न था मतलब अपनी हिफाजत का सामान भी मेरे पास न था मेरे हाथ में पत्थर भी न था जो परछाई की तरफ फेंक कर छुटकारा पा लिया खबाब अपने किया हकीकत हो गए लमस कैसा था अगर पेकर न था इस शेर में शायर फुरमाते हैं कि शायर फरमाते मेरे ख्वाब हकीकत में बदल गए अगर ऐसा नहीं है तो चांद जब निकला कोई छत पर न था इस शेर में शायर फरमाता है कि शहर में पर कोई जादू तारी था लोग घरों में दुबक पड़े थे जब चांद पर जब चांद आसमान पर नमूदार हो गया तो उसे देखने के लिए कोई आदमी छत पर मौजूद न था एक सदा गूंजी मकान में देर तक क्या था ये हमदम कोई दर पर न था इस शेर में शायर अपने आप से मुखातब होकर फरमाते हैं कि ए हमदम कश्मीरी मकान में देर तक एक आवाज़ गूंजती गुंच, रही मालूम नहीं ये आवाज़ कैसी थी और कहाँ थी दरवाजे पर देखा तो कोई मंजर नहीं आया